on, hit me harder. Come on, punch harder. Use your body weight. Yeah. Oh. Stop. A boxer ka sabse bada dushman hai rehm, jo tumhara opponent tum par kabhi nahi karega. So box me harder now. Come on. Come on. Come on. You can do it. Use your left. Concentrate. Right. What happened? Look here. Concentrate. Suraj. Huh? पता था एक ना एक दिन तो जरूर आएगा. इधर आ साले. भूल जाओ पुरानी बातें बॉसी. बेटा माना था आपने सूरज को. आज 3 साल के बाद वापस आया है. गले लगाकर एक नई शुरुआत करते हैं. देखना सब पहले जैसा हो जाएगा. ट्रस्ट मी. इधर आ. क्या किया तूने मेरे साथ? दिखाता हूं तुझे. ये देख, ये देख. उस पॉश लोकेलिटी से निकल के मुझे यहां आके रहना पड़ रहा है. इस माहौल में मेरा एक घर था जो मैंने बड़ी मेहनत से कमा के बनाया था. वो बिक गया. मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती थी. छोड़ के हिंदुस्तान चली गई तेरी वजह से. और तू ये समझता है कि मैं तुझे यहां दोबारा रख लूंगा? तुझ पे भरोसा कर लूंगा दोबारा? मैं यहां काम के लिए नहीं, सिर्फ माफी मांगने आया. सॉरी. एहसान करने आया है मुझ पे ओमी. एहसान करने आया है मुझ पे. अबे साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि तू ये देखने आया है कि श्रीकांत अभी जिंदा है या मर गया? अगर जिंदा है तो किस हाल में जिंदा है? ओमी इसे कह दे इसे मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा. मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता. निकाल इसे यहां से. निकाल इसे यहां से. सूरज तू फिक्र मत कर यार. ये तो साला है ही खड़ूस. लेकिन तुझे चाहता बहुत है. रही बात इसकी बीवी की, वो तो इसे छोड़ने ही वाली थी ना. कम ऑन, मैं तुम्हें दूसरे लोगों से मिलवाता हूं. कम ऑन, चल. कम ऑन बॉयज, कम ऑन. कम हियर. लुक हू इज हियर. दिस इज सूरज. स्टॉर्म बोलते थे इसको. 2012 का चैंपियन था. फाइनल राउंड तो कोई नहीं रहता था इसके सामने. एक से एक भारतीयों को खत्म कर दिया इसने. सिकंदर कम ऑन यार. कोई टिक नहीं सकता था लास्ट राउंड तक इसके साथ. दैट्स स्टॉर्म. एंड आई वाज वन ऑफ देम. 13 सेकंड्स में नॉकआउट कर दिया था इसने मुझे. सिकंदर, सूरज ये सब पुरानी बातें हैं. पर आज ये भी काम नहीं. बहुत मेहनत की है इसने अपने आप पर. राइट नाउ इन थंडरस्टॉर्म ही इज द बेस्ट एमएमए फाइटर. देखा मैंने टीवी पे. नॉट बैड. ओह रियली? नॉट बैड. कम ऑन देन, लेट्स सी. ही गुड किसे कहते और बेटर कौन है? लड़ना छोड़ दिया मैंने. क्यों? मर्दानगी खत्म हो गई या फिर औकात पता चल गई? सिकंदर ये बेफजूल बातें करने का वक्त नहीं है. 3 साल से इसने ग्लव्स नहीं पहने. कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बात की बात है. जीतना तो इसने 3 साल पहले छोड़ दिया था. तब ये चमकता हुआ सूरज था. आज तो ये ढला हुआ सूरज. कम ऑन बॉस. चल ले, बता बता कितनी आग बची है तेरे अंदर बाकी. बॉस मैंने लड़ना छोड़. बॉस सूरज, ये जगह बॉक्सर्स के लिए है, वो भी सिर्फ जीतने वालों के लिए. यहां आना तो दूर, झांकने की भी जरूरत मत करना. सूरज सूरज अब तू ही एक उम्मीद है. वो सिकंदर तो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हमें धोखा दे गया. अब पुरानी बातें भूलकर वापस आ जाओ. बिकॉज इफ यू आर इन द रेस, वी आर इन द रेस. ये हाथ अब किसी पर नहीं उठेंगे. मैंने कहा था ना तुझे, इसे यहां बुलाकर हम अपना वक्त बर्बाद करेंगे. अरे अगर ये मेरा अपना होता तो कभी तो मेरा हाल पूछने आता. मुझे बर्बाद करने के 3 साल बाद तक गायब ना रहता.
अरे ये वो आदमी है ही नहीं जिसे मैंने अपना बेटा समझा था। मैं जेल में था। दो साल सात महीने कुआलालंपुर की जेल में था। तीन साल पहले वो फाइट जीतना सिर्फ आपका ही सपना नहीं था, मेरा भी था। फाइट की डेट फिक्स हो गई है सूरज, ये समझ लेंगे जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं। तू कॉन्फिडेंट तो है ना? Oh, come on, boss. अगर ये चाहे ना तो दुनिया में किसी की भी बत्तीसी तोड़कर आपकी टेबल पर लाकर छोड़ देगा, राइट सूरज? अब आपने एडवांस ले ही लिया है तो डरना किसे? फाइट के पहले वाली रात एक औरत मेरे घर आई। मेरा नाम नताशा है। और उसने मुझे फाइट हारने को कहा। हमारी इकलौती बेटी अलीशा। उसने कहा कि मेरे ओपोनेंट अली की बेटी को कैंसर है और अगर मैं फाइट जीत गया तो उसकी बेटी का इलाज कभी नहीं हो पाएगा। प्लीज उसे बचा लीजिए, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? Hey you, don't touch her. कौन है सब हाँ? जांगन का संतो है ना आकू? You talk to me. If you want her orange. उस वक्त मुझे पता चला कि ये सब एक नाटक था। दिन से मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मैंने भी इस दुनिया में बहुत बुरा बनने का फैसला कर लिया।
इतना बुरा कि मैं खुद को भी भूल गया। मेरा फाइटिंग लाइसेंस कैंसिल होने के बाद मैंने रिंग के बाहर मारपीट शुरू कर दी और वसूली का काम करने लगा। पर जेल क्यों गए? साल की आखिरी रात थी, ये शायद नए साल की पहली सुबह। सब लोग आने वाले साल को वेलकम कर रहे थे और मैं बस अपना काम कर रहा था। सूरज, यू नो द हैंडीकैप चिल्ड्रन ऑफ माई ऑर्फनेज हैव मेड दिस। कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारा? जाके उनको दे दो, लव डबल हो जाएंगे। गॉड ब्लेस।